हेलो भैया, पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया भैया। भैया और भोसड़ी के। हेलो भैया, पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया भैया। गाइज मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को कॉल करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा पबजी खेलते हैं, या मतलब मीडियम पबजी खेलते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खेलते। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खेलते ही हैं, मतलब टाइम पास करने के लिए खाली टाइम में अपना पबजी लेके बैठ जाते हैं। तो गाइज मैं उन लोगों को कॉल करूंगा और उन लोगों से थोड़ा सा प्रैंक करूंगा, थोड़ी सी मतलब पागलपंती करूंगा, ड्रामा करूंगा, ठीक है। किसी को मैं रोके बोलूंगा कि पबजी बैन हो गया, और किसी को मैं मतलब आप लोग पता है कि मेरी वीडियो में कुछ कॉमेडी सीन भी होते हैं, जैसे गाली मैं बात करता हूँ। सो गाइस असल ज़िंदगी में मैं कोई गाली गलौज नहीं करता, मैं बिल्कुल मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैं गाली गुली देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो में गाली देता हूँ ताकि आप लोगों को हंसी आए, ठीक है। मैं जब गाली देता हूँ तो कुछ ऐसी टोन आती है मतलब लोगों को एकदम हंसी आ जाती है, ठीक है। तो इसी बात पर चैनल सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। सो गाइस मैं कुछ लड़कों के साथ गाली गलौज में भी बात करूंगा कि मतलब वो भोसड़ी के पबजी बैन हो गया तो ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। तो मैं अपने कुछ दोस्तों को कर रहा हूँ कॉल, तो बने रही वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये खड़ी है मेरी बाइक, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लगा करके पूरा रिकॉर्ड करूँगा और अपने दोस्तों का अच्छे से काट दूंगा। सो गाइस मैंने कर लिया है, पूरा मूड बना लिया अच्छे से, कैसे मैं रो के बात करूँगा और कैसे मैं गाली दे के बात करूँगा। ले इसका वो खोल लो, बनाओ फिर बंद हो जाएगा लोग। रुक जाएगा, पूरी पहले पूरी तैयारी तो कर लो, जब भी तो कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का मजा जब भी आएगा ना, मजा तो तभी आएगा जब पूरी लुकिंग होगी, आंखें बंद होगी। है अच्छा हमको सिखा रही है। तो गाइस करता हूं, तो गाइस मेरे एक फ्रेंड है दीपांकर, मैं उसको कॉल कर रहा हूं, आई होप कि वो मेरी आवाज ना पहचाने। सुमित हंसी मत है, शुक्रिया। मैं वीडियो देख रहा, तुम वीडियो बनाओ आराम से। कॉल नहीं उठा रहा है। गैस लगता है ट्रू कॉलर पे ना। हेलो 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 भैया, पबजी बैन हो गया भैया, पबजी बैन हो गया। हेलो 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 पबजी बैन हो गया भैया, पबजी बैन हो गया, पबजी बैन हो गया भैया।
पबजी बंद हो गया। ले इसका फिंगर वो खोल लॉक। सो गाइस ट्रोकॉलर पर ना लड़की का नाम लिखना पड़ेगा, तभी ना लड़के फोन उठा सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, लेकिन रैंडम बंदे का ना कोई फोन जल्दी से नहीं उठाता, कोई बिजी है, कोई मतलब उठाने नहीं जाता। अगर लड़के का नाम लिख दो तो लोग मतलब लड़के ना लड़के 100% फोन उठाने की कोशिश करते हैं। चलो इसको दोबारा कॉल करते हैं। इसको कॉल करता हूँ अपने दोस्त को। गाइस ये मेरा फ्रेंड कुलदीप है। गाइस ये बंदा ना फोन नहीं उठाता, पता नहीं भयंकर की कहाँ बिजी रहता है। फोन उठा ले कर यार, उठा ले भाई, कॉल उठा ले। क्या फायदा ऐसे दोस्तों को जो फोन नहीं उठाते? क्या बात हो सकता है कि हमें कोई दुख मुसीबत हो तो ऐसे बंदे फोन नहीं उठाते, ऐसे दोस्त फोन नहीं उठाते, तो ऐसे दोस्तों को होने का फायदा क्या है? ऐसे तो ले उठाए। कुलदीप सुन ले तू, देखे बस ने स्विच ऑफ कर दिया, हो सकता है डर गया ये। गाइस दोबारा से मैं दीपांगरो कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो कौन भैया? पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया भैया। कौन? अरे भैया पबजी बैन हो गया। दोबारा कॉल करूं, गाली हो गया, गाली हो। दोबारा कॉल करूंगा। तेरे ट्रू कॉलर पे क्या लिखा हुआ? सुमित के नाम से चल रही। कॉल नहीं उठा रहा या तो समझ गया या फिर ये मतलब वो हो गया थोड़ा कंफ्यूज, के बंदा कौन है। दोबारा से कुलदीप को कॉल करूँ। कुलदीप फोन भी नहीं उठाता तू यार। ये जो बंदे थे ना दीपांकर ने तो उठा लिया था कॉल, ठीक है, वो भी पता नहीं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं समझ गया कि मैं आदित्य हूँ, ठीक है। दो बंदों ने कॉल नहीं उठाया, एक बंदे ने उठाया था भारत ने, भारत बेल्टा भाई है नाम करके, वो भी उसने स्विच ऑफ कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, वो डर गया कुछ भी है, ठीक है। तो तीन बंदों का, तीन चार बंदों का और ऐड करा मैंने नंबर, खोल फिंगरप्रिंट खोल, समझ जाता है तो लॉक हो गया फोन है। सो गाइस ये बंदे भी हैं जिनसे मैं बात करूँगा, और ये बंदे हैं कुछ गालीबाज जो गाली गलौज भी कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने एक मेरा फ्रेंड है प्रिंस करके, उसको कॉल कर रहा हूँ। हालांकि ये पबजी नहीं खेलता, लेकिन मैं इससे बात करूँगा, उनका पबजी बैन हो गया, तो आप मजा लीजिए। हेलो कौन भैया? पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया भैया। रख रख तेरी माँ की, रख भैया, मैं पबजी घर से खेलूंगा अब। काट दे <देता। laughs> इसको दोबारा कॉल करता हूँ। देख प्रिंस, अगर तो ये वीडियो देख रहा है ना तो देख ले भाई, हम कैसे कैसे तेरे साथ कर रहे हैं प्रैंक। लग गया भैया पबजी बैन आ गया। कौन बोल रहा है भैया? मैं प्लेयर बोल रहा हूँ, प्रो प्लेयर। अरे भैया कौन? आदित्य भैया।
भैया पबजी बैन हो गया। अब साले पहचान लिया तूने? कैसे पहचाना? चल लौंडा बढ़िया है तू। एक बंदा तो हो गया, अब एक बंदा और है। हाँ तो अगला बंदा जो है वो है मयंक, मयंक कश्यप। ये बंदा ना पबजी लवर है, ये भी बहुत पबजी को लव करता है। हेलो भैया पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया जी। भैया बात हुआ पबजी बैन, आपको नहीं पता क्या? अरे भैया पहले तो खेलते थे ना आप। क्या कह रहे? इसने भी काट दिया, सारे बंदे फोन काट रहे। हालांकि गाइस मैंने ना प्रोकॉलर पे नाम चेंज कर दिया, तो दोबारा कॉल। हेलो भैया। कौन बोल रहा है भाई? भैया पबजी बैन हो गया, यहाँ डांट फट रही है। और तुम ऊपर चढ़े जा रहे हो यार। भैया पबजी बैन हो गया, मैं क्या करूं यार? नहर पकड़ो बस। नहर पकड़ो? कौन सी नहर? तो पबजी बैन हो गया भाई यार, मैं क्या करूं? प्रो प्लेयर बोल रहा हूं यार, मैं गरीब हो जाऊंगा भैया, रोड पे आ जाऊंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं बहुत बेरोजगार था भैया, और पबजी खेल खेल के मैं बहुत अमीर हो गया। अब पबजी बैन हो गया तो मैं कैसे अमीर बनूंगा और आगे? मैं कोई आदित्य डाके नहीं बोल रहा हूँ। तो देहरादून आ रखा। आवाज से पहचान लिया क्या? तो देहरादून क्या करने गया? देहरादून बैंड के पास। अच्छा, सो गाइस देखो आपने, अभी प्रिंस ने भी मेरी आवाज पहचान ली थी और मैंग ने भी मेरी आवाज पहचान ली है। तो ये होते हैं दोस्त, जिगरी दोस्त, जो ना मतलब कुछ भी आप रूप भर लो ना, दोस्त एकदम पहचान जाए कि ये बंदा वो ही है। अबे ब्लॉग बना रहा था मैं। मालूम चल गया। हाँ और बता क्या हो रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। है ठीक है भाई। ठीक है, एक बंदा और रह गया बस। सो गाइस जिन भाई का ये फोन है ना, उनको भी थोड़ी जल्दी हो रही है, तो मैं भी फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि यार आजकल ना टाइम नहीं यार लोगों के पास। लोग ना बहुत बिजी हैं, मैं खुद बहुत इतना बिजी रहता हूँ। मेरे जो रिलेटिव्स ना वो भी बोलते हैं कहाँ है आजकल दिख नहीं रहा तू। एक भैया मिले थे सुबह तो कह रहे थे कहाँ आजकल दिख नहीं रहा तू। अब एक बंदा और रह गया है, अनूप। अनूप मेरा बहुत खास रिलेटिव है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। दिल्ली में रहता है वो, मतलब दिल्ली में जॉब करता है वो। गाइस कुलदीप का कॉल आ रहा है, तो उसको कॉल करता हूँ मैं दोबारा। गैस कुलदीप भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कभी कभी फोन नहीं उठाता। हेलो। हाँ बोल। कौन? अरे मैं कुलदीप बोल रहा, आदित्य बोल रहा क्या? नहीं तो भैया, भैया भैया पबजी बैन हो गया। हेलो हेलो भैया, हेलो भैया, भैया वो भोसड़ी गए। भैया पबजी बैन हो गया। अबे व्लॉग बना रहा था मैं। गाइस ये मेरा वही वाला दोस्त है जो छपरी बन गया था, आपने देखा था वो फ्लाईओवर पे, तो ये वही वाला बंदा, इसने भी पहचान लिया मुझे स्टार्टिंग में। चल ठीक है फिर, हैं ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। सो गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही, और हो सकता है कि आने वाले कुछ व्लॉग्स में भी ऐसी कॉमेडी हो,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जितने भी भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरे आप व्लॉग देख सकते हो, 100% आप लोगों के चेहरे पे हंसी आएगी, ठीक है। मैं व्लॉग से ऐसे बनाता हूँ, तो गाली को थोड़ा इग्नोर करना। वैसे तो बहुत सी जो आजकल की जनरेशन है ना, वो गाली को बहुत लाइक करती है, और मेरी गाली देने का जो तरीका है ना, वो बहुत अलग सा है। सो गाइस यार, पबजी बैन की न्यूज़ मुझे अभी मिली है, थोड़ी देर पहले बैन हो गया है पबजी, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी चल रहा है, मतलब गेम प्ले जिन भाई लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो वो चल रहा है ओपन करते हुए, लेकिन प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे नहीं है वो, ठीक है। रिमूव कर दिया उसको, ब्लॉक कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग फेमस हुए थे ना, जो लोग बेरोज़गार थे, ठीक है, जो लोग दर बदर भटक रहे थे जॉब के लिए, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार पबजी ने ना, मतलब पबजी हो या कोई सा भी गेम हो, ठीक है, पबजी बैन हो रहा था, पबजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि पबजी ने गाइज काफ़ी लोगों को संभाला है, काफ़ी उठाया है, ठीक है। बहुत लोगों के घर बस गए हैं, काफ़ी तरक्की कर ली है उन लोगों ने, ठीक है। बहुत से लोग बेरोज़गार थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बहुत टेंशन में थे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पबजी ने बहुत लोगों को उठाया था, मतलब इतना उनको फेमस कर दिया, इतना मालामाल कर दिया पैसे से, मतलब वो लोग बहुत अच्छे, आर्थिक कंडीशन उनकी बहुत अच्छी हो गई थी और अच्छी अभी भी है। तो अगर ये बैन हो गए ना गाइस, तो यार वो जो बंदे हैं ना, बर्बाद हो जाएंगे यार उनका ना, मतलब ख़राब हो जाएगा उनका करियर गाइस, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार कर रही है ना बैन, तो कोई ऐसा गेम लॉन्च हो जाए जिसमें मतलब कुछ रूल्स हो, मतलब 18 साल से उम्र के बच्चे नहीं कर सकते, मतलब यूज़ ना, मतलब 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो ना खेले, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और एक टाइम हो गेम खेलने का, टाइम हो कि मतलब आपने एक घंटा खेला फिर वो मतलब गेम चलेगा नहीं, फिर पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर बैन कर रहे हो, कर दो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा गेम लॉन्च हो जिसमें रूल्स हो, मतलब जो जिनकी स्टडी चल रही है वो स्टडी करें, ठीक है, ठीक है, अपना मतलब वो अपना ध्यान ना भटकाएं, ठीक है, अपना काम ख़राब ना करें, अपनी स्टडी ख़राब ना करें एक गेम के चक्कर में। तो गेम अगर बने तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा गेम बने जिसमें कुछ रूल्स हों, ठीक है, कुछ नियम हो, जो बच्चे स्टडी भी करें और गेम भी खेलें, ठीक है। कर दो बैन, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पबजी बैन मत करो आप, उसमें कुछ रूल्स ऐड कर दो, ठीक है, उसमें रूल्स ऐड कर दो जिस वजह से पबजी बैन कर रही है सरकार या कोई करवाना चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ रूल्स ऐड कर दो जिससे कि किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, बच्चा स्टडी भी करे और गेम भी खेले, ठीक है। तो इस व्लॉग में बस इतना ही गाइस, आशा करता हूँ कि यार पबजी बैन ना हो, ठीक है। जिन लोगों के अच्छे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कैरियर चल रहे हैं, उनका कैरियर अच्छा चलता रहे, तो पबजी बैन ना हो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी इस व्लॉग में बस इतना ही, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगले नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।